नमस्कार। आप यूपी अपडेट पर लगातार चुनावी रुझान देखते चले आ रहे हैं। आपको बता दें, पीलीभीत सहित अन्य सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का जलवा कायम है। पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में जो भाजपा प्रत्याशी हैं जितिन प्रसाद, उनको करीब अभी तक 156,582 मत मिले हैं और 65,627 वोटों से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार को अभी तक 90,955 वोट मिले हैं और 65,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनीश अहमद खां को 22,994 वोट मिले हैं और 133,558 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में जितिन प्रसाद ने लीड पकड़ ली है। तो वहीं यदि पीलीभीत के अलावा सुल्तानपुर सीट की बात की जाए, जहां से पीलीभीत के पूर्व सांसद वरुण गांधी की मां मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, तो बता दें कि यहां से मेनका गांधी 9,192 वोट पीछे चल रही हैं। बता दें कि यहाँ पर रामबुहाल निषाद जो है, उनको 86,863 मत प्राप्त हुए हैं, वो 9,192 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं मेनका गांधी को 77,671 वोट प्राप्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उदयराज वर्मा चल रहे हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही यदि वाराणसी लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ये काफ़ी वीवीआईपी सीट है। यहाँ पर 161,484 वोट अभी तक नरेंद्र मोदी को मिले हैं और 49,704 वोटों से वे अपने प्रतिद्वंदी अजय राय सपा कांग्रेस प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, अभी तक जो कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय हैं, उनको 49,704 वोटों से नरेंद्र मोदी ने पीछे कर दिया। आपको बता दें, लगातार इलेक्शन की अपडेट देखने के लिए आप लगातार यूपी अपडेट पर बने रहिए। आपको बता दें, सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी भी करीब 9,000 वोटों से पीछे चल रही हैं।